कॉलेज दे प्रिंसिपल डॉक्टर मेजर हरिंदर सिंह कंग साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की सवारी सुशोभित करने वास्ते जिमनेजियम हाल दे विच बड़े सन्मानपूर्वक तरीके दे नाल संगत दे नाल आ रहे ने सुशोभित करने वास्ते सारी संगत नूं बेनती कि बड़े प्यार नाल सहजता नाल आके अपना स्थान जिमनेजियम हाल दे विच ग्रहण करन। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿ ਭੰਗ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸੋ ਕਹੁ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਿਨਜ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੀਐ ਗੁਰੂ ਕੈ
जन्म मरण दुख जाए। दर्शन परसिए गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। सोरठ महला पंजवां गुरपुरा भेटियो वड भागी। मन हे भया परगासा कोए ना पहुंचन हारा दूजा। अपने साहेब का परवासा गुरपुरा भेटियो वड भागी। मन हे पया परगासा कोए ना पहुंचन हारा दूजा। अपने साहेब का परवासा अपने सतगुर के बलहारे। आगे सुख पाछे सुख सहजा कर आनंद हमारे रहाओ। अंतर जामी करने हारा सोई खसम हमारा। निरपो भये गुर चरणी लागे एक राम नाम आधारा। सफल दर्शन अकाल मूरत प्रभ है पी होवन हारा। कंठ लगाए अपने जन राखे अपनी प्रीत प्यारा। वडी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासे। नानक को गुर पूरा पेटियो सगले दुख विनासे। वडी वडियाई अचरज शोभा कारज आया रासे। नानक को गुर पूरा पेटियो सगले दुख विनासे। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवां गुरपुरा भेटियो वड भागी। मन हे पया परगासा कोए ना पहुंचन हारा दूजा। अपने साहिब का परवासा। खुशियां दे जगारे जावे निहाल हो जावे। पंजवें पातशाह शहीदां दे सरताज। धन 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 साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी साहेब जी महाराज जिया के मन को पावे। सत श्री अकाल। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਾਲਜ ਦੇ 54ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਆਰੰਭਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਉਹ
गुरु साहब की बख्शिश सदका अज बड़ी सफलतापूर्वक विद्या के खेत्र दे विच अपना कार्य कर रहा है और इस गल की सानू खुशी भी आ माण भी आ कि गुरु साहब की बख्शिश सदका अज ये विद्यक अदारा हरियाणा ही नहीं बल्कि पूरे देश दे विच एक विद्या का चानन मनारा बनया हो। गुरु साहब का स्वरूप पंडाल सुशोभित हो चुका। अखंड पाठ साहब की समाप्ति तो उपरंत शब्द कीर्तन तुहाडे सामने साडे कॉलेज के विद्यार्थी कुछ प्रध्यापक शब्द कीर्तन गुणगान करनगे। असी सारे ही बड़े प्यार नाल बड़े सत्कार नाल शब्द कीर्तन सरवण करना। कॉलेज के विद्यार्थियों नूं मेरी गुजारिश है जिन्हां शब्द कीर्तन करना है कि अपने साजो समान तैयार करके बड़े सत्कार नाल बड़े प्यार नाल सानूं शब्द कीर्तन सरवण करन वास्ते जिहड़ा वह मौका देंगे। मेरे नाल कॉलेज के साडे विद्यार्थी जसप्रीत सिंह तबले ते जिहड़ा साथ देंगे, अमित कुमार हारमोनीयम ते और कॉलेज की विद्यार्थन पल्लवी सब तो पहला जिहड़ा वो पहला अमित कुमार पहला सानू शब्द कीर्तन नाल निहाल करनगे। सत्संग जीओ, एक बारी सारिया ने जिन्हें भी इतने सत्संग जी बैठी है विराजमान है उस परम पिता परमात्मा की निक्की गोद में आनंद मान रही है। सारिया ने मन में एकागर करते हुए फतेह की सांझ पलानी है जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जो बोले सो निहाल, सो सत्संग जीओ। इस निमाणे दास नूं आप जीआं संगतां वल्लों अज मौका मिलिया हाजरी भरन दा। सब तो पहला सत्संग जीओ, अज स्थापना दिवस की लख लख बधाई होवे जी। तो ज़्यादा समा ना लेते हुए सत्संग जीओ, बाणी सरवण करो। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। तेरे कवन कवन गुण कह कह गावां, तू साहिब गुणी निदान।
तुमरी महिमा वर्ण न सको, तुमरी तुमरी महिमा वर्ण न सको। तो साहिब ऊंच भगवाना जित सागर समुद्र नीर परया तित योगन हमारे दया करो किछ मेहर पाओ डूब दे पत्थर तारे कर कृपा 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 तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा कर कृपा 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 तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण प्रभ स्वामी तू वडदाता अंतर जामी तू वडदाता अंतर जामी सब मेरा पूरन प्रभ स्वामी सब मेर मिया पूरन प्रभ स्वामी कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा कर कृपा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा प्रभु प्रीतम प्राण आधारा मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा
हम सुन सुन जिया नाम तुम्हारा, सुन सुन जिया नाम तुम्हारा। मेरे प्रभ प्रीतम प्राणी आधारा, मेरे प्रभ प्रीतम प्राणी आधारा, हम सुन सुन जिया कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा, तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा। शरण तेरी शरण सतगुरु मेरे पूरे, सतगुरु मेरे पूरे मन निर्मल हुए, मन निर्मल हुए संता पूरे मेरे सतगुर तेरी शरण, सतगुर मेरे पूरे मन निर्मल हो संता दूरे, मन निर्मल हो संता दूरे, कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा, तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण कर कृपा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा। चरण कमल हृदय उर्धारे, चरण कमल हृदय उर्धारे, तेरे दर्शन को जाऊं बलहारे, तेरे दर्शन को जाऊं बलहारे। चरण कमल उर्धारे, चरण कमल हृदय उर्धारे, तेरे दर्शन को जाऊं बलहारे, तेरे दर्शन को जाऊं बलहारे। कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा कर कृपा, कर कृपा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा तेरे गुण गावा। Thank you.
कर कृपा तेरे गुणगान कर कृपा तेरे गुणगान कर कृपा कर कृपा तेरे गुणगान कर कृपा तेरे गुणगान नानक नाम जपत सुख पावां नानक नाम जपत सुख पावां नानक पत सुख पावां नानक नाम जपत सुख पावां कर कृपा 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 तेरे गुण गावां तेरे गुण गावां तेरे गुण गावां कर कृपा तेरे गुण गावां 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 वाहे गुरु सत्संग जी मन ने एकाग्र करते हुए रसना पवित्र करते हुए बाणी सरवण करो साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोरी अवर संग तोरी तुमसे जोरी अवर संग तोरी साची प्रीत हम तुमसे जोरी साची प्रीत हम तुमसे जोरी तुमसे जोरी अवर संग तोरी तुमसे जोरी अवर संग तोरी साची प्रीत जो तुम गिरी
गए तो हम जो तुम चंद तो हम पहच को रा जो तुम चंद तो हम पहच को रा साची प्रीत साची प्रीत हम तुम से जोरी से जोरी अवर संग तोरी तुम से जोरी अवर संग तो माधुवे तुम ना तोरो तो हम नहीं तोरे माधुवे तुम ना तोरे तो हम नहीं तोरे तुमसे कवन संग जोरे तुम से तोरे कवन से जोरे साची प्रीत हम तुम से जोरे तुम से जोरे संग तोरे तुम से जोरे अवर संग तोरे जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम दीवरा तो हम बाती जो तुम तीरथ तो हम जाती जो तुम तीरथ साची प्रीत हम तुम से जोरी तुम से जोरी अवर संग तोरी तुम से जोरी अवर संग तोरी साची प्रीत
जह जह जा तुम्हारी सेवा, तुम संखातुर और नहीं देगा। जह जह जा और नहीं देगा, तुम ठाकुर और नहीं देगा। साची प्रीत साची प्रीत हम तुमसे जोड़े, तुमसे अवर संग तोरी, तुमसे जोरी अवर संग तो तुमरे भजन कटे जमफासा, तुमरे 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 भगत हेत गवे रविदासा, भगत हेत गवे रविदासा। साची प्रीत साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी, तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी। साची प्रीत साची प्रीत हम तुमसे जोड़ी, तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी, तुमसे जोड़ी अवर संग तोरी, अवर संग तोरी, अवर संग सोहन कही हजरी प्रवान करो महाराज। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। ये सन कॉलेज दे विद्यार्थी अमित कुमार जिन्ना तो तुसी हुने शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सी। इस तो बाद कॉलेज दी ही विद्यार्थन एम ए पंजाबी विभाग तो कुमारी पल्लवी बीबी पल्लवी उन्हना तो तुसी शब्द कीर्तन सरवण करोगे। पल्लवी वाह
वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु का बचन बसै जी नाल, गुरु का बचन बसै जी नाल, गुरु का बचन बसै जी नाल, जल नहीं डूबे तस्कर नहीं लेवे, जल चने बस।
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕੁਮਾਰੀ ਪੱਲਵੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਬਬਿਤਾ ਸਿੰਘ ਆਨੀਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਬਬਿਤਾ ਸਿੰਘ ਆਨੀਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੇਜਰ ਆਰ ਐੱਸ ਭੱਟੀ ਜੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ। ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸੈਕਟਰੀ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਭਰੀ ਲੰਮੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਹੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਲਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਨਿਮਰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਤੇ 6 ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਔਰ 6 ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਮਹਾਂਕਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਦੇਸ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸੰਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਾਂਕਾਵਿ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਉਣ। ਮੈਡਮ ਬਬਿਤਾ ਸਿੰਘ ਆਨੀਆ, मेरी तरफ से आप सभी को मेरा प्रणाम। और मेरी एक छोटी सी प्रयास है, ये वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 गुनी घुमान। खूब 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 तेरो नाम, झूठ 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 दुनी घुमान। नगज तेरे बंदे ਜੀ।
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। बोले सोनिहार सन मैडम बबिता सिंघानिया जिन्हों तो तुसी उन्हें शब्द सरवण किया। हुण साडे कोल अज दा मुख रागी जथा भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी ते उन्हां दे साथी मंच दे उत्ते ही सुशोभित हन। गुरु साहब दी उन्हां ते अपार बख्शिश होई, रहमत होई, तंदुरुस्ती उन्हां नूं प्राप्त होई ते उस तो बाद स्वीकार किया उन्होंने इत्थे आना। हुण असीं शब्द गायन सरवण करांगे भाई साहब भाई जसविंदर सिंह होरां तों। हुणे ही थोड़ी देर पहला ही सेवा नभा के विदेशों के विच आए ने, कैनेडा अमेरिका, शायद अमेरिका तो वापस आए ने हुण भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी थोड़े दिन पहला ही, और इस कॉलेज नाल विद्यार्थी जीवन तो ही जुड़े रहे ने। असीं इन्हां तो हुण गुरु साहब का शब्द गायन सरवण करांगे भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी। उन्हां दे नाल तबले ते संगत कर रहे ने भाई साहब भाई गुरचरण सिंह जी, ते हारमोनीयम ते उन्हां दे नाल सेवा निभाउणगे भाई साहब भाई सरबजीत सिंह जी। इन्हां दी मिठी आवाज़ दे विच असीं शब्द गायन सरवण करांगे। वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 सतनाम वाहे गुरु गुरु धन्यवाद
दंडोत बंदन अनेक
सब सिखन को सुख दे, जह तह पे सहाय सहाय। सुनी अरदास दातार प्रभु गोर नानक जग माहे कल तारण गुरु नानक आया, कल तारण गुरु नानक आया। तिन बेदियन की बोल बिखे, तिन बेदियन की बोल बिखे, बोल बिखे, तिन प्रगटे नानक राय। तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा, तन तन हमारे पाग कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा, कर आया फिर मेरा, कर सगला बन हरा, सगला बन हरा, सगला बन हरा।
सुख गामी हर हर स्वामी सुख गामी हर हर स्वामी सुख गामी आनंद मंगल रस कणा नवल नवतन ना हो बाला बाला कवन रसना रसना कवन रसना गुणपणा कवन रसना
सगला बन हरा जुगो जुग अटल
दसा पातशाहियां दी जागदी जोत चवर छत्र तखत दे मालक कल युग दे बोहित नाम दे जहाज शब्दा अवतार धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे विच जुड़ बैठे गुरु के साजे नवाजी गुरु प्यारी सार संगत जीओ आप सब धनता दी योग हो जो कि सतगुरां जी दे इस पवित्र अस्थान विद्या दे अदारे गुरु नानक देव सच्चे पातशाही दे नाम ते चल रहे गुरु नानक खालसा कॉलेज दे कैंपस दे विच प्रांगण दे विच धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन हजूरी दे अंदर कॉलेज दा स्थापना दिवस अते नाल ही नाल सिख पंथ दे बानी सच्चे पातशाह धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दे 550वें आगमन पुरब की खुशियां नूं आप सारे रल मिल के सांझा कर रहे हो। धन गुरु नानक महाराज सच्चे पातशाह जी दा जीवन सतगुरु सच्चे पातशाह जी दे वडियाईयां उन्हां दे कौतक इन्हां नूं रसदां दे नाल अपनी बखान करना बड़ा औखा है। समुंदर दी डूंघाई ते मापी जा सकती है, समुंदर किन्ना डूंघा है, इहदा तल किथे है, इहदा अंत किथे है, इहनू ते मापिया जा सकता है, पर धन गुरु नानक सच्चे पातशाह जी दी वडियाईयां दा बखान इह करना बड़ा औखा है। सतगुरु जी दे पावन बचन हन, सुन वड्डा आखै सब कोई। सतगुरु जी कहिंदे हन कि परमात्मा किन्ना कु वड्डा है इह कोई दस नहीं सकदा, इक दूजे तों सुण सुण के आपां उहदियां वडियाईयां करदे हां। कोई मन्नदा है कि ब्रह्मा वड्डा है जिन्ने सारे संसार की रचना की है, कोई मन्नदा विष्णु महेश इह वड्डे हन, पर सतगुरु जी ने सानू इह सिखाया इह समझाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश इन्हां तों भी उत्ते एक पावर है जिन्हां ने इस दी रचना कीती है। ते फिर डिटेल दे विच सानू उस पावर दे बारे दस्या है मूल मंत्र दे द्वारा, एक ओंकार कि परमात्मा एक है, सतनाम उहदा नाम सच्चा है, करता पुरख उही सृष्टि दा रचनहार है, होर कोई नहीं है, निरभउ वह ऐसा है जिसनों किसी का भाव नहीं है, निरवैर है किसी नाल उहदा वैर नहीं है, अकाल मूरत है काल तो परे है, अजूनी है फिर वह जूनिया दे विच नहीं आउंदा, संसार दे विच कदी जन्म नहीं लैंदा, ना जन्म लैंदा है ना मरदा है, सहभंग वह अपने आप तो ही पैदा होया, उसनों किसी ने पैदा नहीं किया, गुरप्रसाद। तो ऐसा परमात्मा किस तरह मिल सकता है, सतगुरु जी कहते हैं, इहदा आंसर भी देंदे हैं फिर गुरु साहब कि गुरु की कृपा दे नाल गुरु तो मत लैके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी दे नाल जुड़ के सतगुरु जी की बाणी तो सिख्या लैके उस परमात्मा नूं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज वर्ल्ड दे विच केवल ते केवल एक ऐसी सतगुरां दे साडी आपां कह लईए भी साडे ते तरस करके सानू गुरु साहब नाल जोड़िया है। ते आपां सिख कौम केवल मत्थे टेकन तक ना रह जाइए, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी बाणी दा सत्संग जदों पाठ करिए ना, एक ओंकार तो पाठ शुरू हुंदा धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दा, ते फिर रागमाला ते 18-10-20 ते खत्म हुंदा है। ज्यों ज्यों आपां पाठ करी जाने आ तुसी सच जाणे हो, ऐसी ऐसी गल्लां ऐसे ऐसे शब्द साडे सामने आउंदे ना कि सानू पता चल जांदा है भी आपां किस लई संसार दे विच आए आ, ते आपां किहड़े कम करने ने किहड़े कम नहीं करने, किन्हां चीज़ां तों बचना है ते किन्हां चीज़ां नू अडोप्ट करना है। गुरु साहिबां दी इन्नी बख्शिश है, भगतां दी बाणी है, भट्टां दी बाणी है, 6 गुरु साहिबां दी बाणी है,
ते हर एक सिख नू बल्कि हर एक प्राणी मात्र नू कल्ले सिख नू नहीं हर एक प्राणी मात्र नू गुरु ग्रंथ साहिब महाराज का पाठ जरूर करना चाहिए जीवन दे विच एक बार भावें रोज का एक अंग ही करो तुसी ज्यों ज्यों पढ़ते जाओगे त्यों त्यों तुहाडे अंदर दे जिहड़े सवाल हन जिन्हां दे जवाब तुसी चाहुंदे हन तुहानूं गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह बख्शिश करदे हन इसे करके बाणी दे विच बार बार ये सानूं समझाया गया है कि भाई सब तो वड्डी पावर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज हन ते एक केवल किताब ना इहनूं समझो एक किताब नहीं है जे तुसी गल्लां करोगे तुहाडी गल्लां दा आंसर भी देंदे ने गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीवन दे विच कोई औखा समा आ जावे आपां कई बार ऐसा समा आ जांदा है कि सानूं पता नहीं लगदा भी हुण की करिए किधर नूं जाइए किहदे कोल जाइए ते फिर सतगुरु जी दी बाणी कहिंदी है जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर बिघन ना को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास बिघन नहीं कोई लगता कोई औखी घड़ी नहीं आती फिर जीवन दे विच सुख दुख जरूर आते हैं पर कई बार ऐसा समा आ जाता है कि गुरु साहब बचा लेंदे हैं औखी घड़ी ना देखण दी हुण इह शब्द नूं आपां पढ़दे हां भी औखी घड़ी ना देखण दी परमात्मा सानूं औखा समा ना देखण दी नहीं इदां नहीं पढ़ना औखी घड़ी ना देखण देई उत्थे बिंदी यूज करनी आपां भी परमात्मा औखी घड़ी नहीं देखण दिंदा सानूं अपना बिरद संभाले अपने बच्चों की आप रख्या कर लेंदा है सो धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह का जन्म संसार दे विच उस समय दे होया उस समय दे विच होया है जदों राजनीतिक अवस्था संसार की ऐसी सी कि राजे प्रजा की गल नहीं सुनते सन मैं शॉर्ट दे विच दसांगा क्योंकि समा सीमित है राजे प्रजा की गल नहीं सुनते सन ते धार्मिक अवस्था किहो जी सी हर पासे पखंड का जोर सी हर पासे ब्राह्मणवाद सी जिस तरह ब्राह्मण कहिंदे सी उस तरह लोगों नूं वो अपने भरमां दे विच पा के ठगी जा रहे सन सो उस समय धन गुरु नानक साहब महाराज सच्चे पातशाह जन्म होया सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होया ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर भलोया हुण तारे छपे का मतलब यह नहीं भी तारे छुप गए लुक गए इहदा मतलब यह कि तारे छपे आसमान के उत्ते जिद्दां तारे शाम नूं निकलदे ने ते चानण हो जांदा है तारे छपे जिस तरह आपां किसी ब्लैंक पेपर है कोई ब्लैंक पेपर के उत्ते पेन दे नाल लिख देने आ उस पेन ते उह छप जांदा है इस तरह तारे छपे अंधेर भुलोया मतलब तारे निकले तारे आसमान ते छपे ते अंधेरा खत्म हो गया ते सतगुरु नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण होया ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पुर पलोआ सिंह बुके मिरगावली भन्नी आपां पढ़दे हां सिंह बुके मिरगावली भन्नी जाए ना धीर तरोआ सिंह बुके तो भाव जिस तरह जंगल दे विच कोई शेर गर्ज मारदा है मिरगावली भन्नी उहदी गर्ज सुण के जिहड़े हिरणां दा झुंड हुंदा है वो इधर उधर भज जांदा भी शेर आ गया मिरगावली भन्नी जाए ठीक है जी सिंह बुके शेर गरजिया मिरगावली भन्नी जाए वो हिरना की टोली जिहड़ी है वो इधर उधर भजदी है भी शेर आ गया ना धीर धरोआ फिर उत्थे खड़ी नहीं रहिंदी उह भज जांदी है इसे तरह सतगुरु जी जदों जन्म होया सतगुरु जी ने अपनी विचारधारा जदों प्रगट की सतगुरु जी जदों अपने बचन उचारे तो वह मिरगावली कि पखंडियां दी जो जिन्हां ने पखंड फैलाया सी जो अधर्म के रास्ते दे चल रहे सी उन्हां दे जड़ी मिरगावली सी वह भन्नी गई उन्हां नूं भाजड़ा पै गई भी ये कौन है कितों आ गया है जदों हरिद्वार दे विच गंगा नूं जल देण दी वारी आई तो सारिया ने सूरज के वल दिता सतगुरु ने अपने खेतों के वल जल दिता सो इस तरह दिया बड़िया साखियां हैं पर समा सीमित है
आओ आप गुरु शब्द के नाल जुड़ना करिए। सतगुर नानक प्रगटिया मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। आओ सारे कृपा करो। जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, जिथे बाबा पैर तरे, पूजा सन थापण सो I'm
सदा विसोआ जिथे बाबा पैर धरे, जिथे बाबा
आओ जपजी साहब जी दे पावन पाठ दे विचों पावन पंक्तियां सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई। धन गुरु नानक देव सच्चे महाराज जी दे पावन बचन जो कि आप नित्ता प्रति ही अमृत वेले जपजी साहब जी दे पाठ विच पढ़ते हाँ। गुरमुख नादंग गुरमुख वेदंग गुरमुख रिहा समाई गुर ईसर गुर गोरख ब्रह्मा गुर पार्वती माई जे हौ जाना आखा नाही कहना कथन न जाई गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसरन जी। शब्द पढ़ के फिर समय की समाप्ति है जी आओ सारी कृपा करो। वाहे गुरु धन्यवाद हे गुरु सब न जिया का एक दाता सब न जिया का एक दाता सब न जिया का एक दाता सो मैं विसर न जाई गुरा एक देह बुझाई गुरा एक देह बुझाई सब न सुख कर ले जा
सुख कर ले जाए गुरमुख नाद गुरमुख वेद गुरमुख नाद गुरमुख वेद जी गुरमुख नाद गुरमुख वेद गुरमुख रहे आसमाई
सतगुरु जी धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह कृपा करन आप सारिया संगतां दी हाजरी दर ते प्रवान कर लैन सभनां नूं दरों घरों गुरसिखी जीवन नाम दीआं दातां बख्शण जी सारिआं बच्चिआं दे प्रोफैसर साहिबान सत्कारयोग प्रिंसीपल सर अते होर भी बड़े सत्कारयोग महान शख्सियतां पतवंते सज्जण इस समय गुरु साहिब दी हजूरी दे विच विराजमान हन सतगुरु सारिआं ते बख्शिश करके इस तरह दरों घरों खुशियां बख्शिश करन सभनां दे घरां दे विच नाम बाणी दीआं बरकतां सतगुरु जी दया रोगता चढ़दियां कला वाले जीवन बख्शिश करन दास मैं अते भाई सरबजीत सिंह जी मेरे छोटे भरा हन ते तबले ते सेवा निभा रहे सन प्रोफैसर गुरचरण सिंह जी जो कि आप जी दे कॉलेज दे विच तबले की सेवा निभाते रहे हैं सो असी मेरे ख्याल नाल 1999 तो लैके 2005 तक इस कॉलेज दे विच शिक्षा ली है सत्कार जो मैडम कमलप्रीत मैडम बैठे हैं साढ़े इंग्लिश दे जो हैड सन उस समय दास ने एम ए इंग्लिश इस कॉलेज तो की है तो भाई सरबजीत सिंह जी ने इन्होंने ग्रेजुएशन कॉलेज तो की है तो असी सारे ही बड़े प्यार दे नाल जो कि शुरुआत कीर्तन की जड़ी दास की हुई है इस कॉलेज तो हुई है धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की हजूरी दे विच क्योंकि बचपन तो ही म्यूजिक का शौक सी ते मेरे ख्याल नाल जदों असी आए सी कॉलेज दे विच ते उदों ही म्यूजिक भी इस कॉलेज दे विच स्टार्ट होया सी ते प्रोफेसर साहब सन उस टाइम मिसिज गुरविंदर कौर उस टाइम लैक्चरार सी म्यूजिक दे उन्हां पासों फिर शिक्षा आरंभ कीती ते उस टाइम जिहड़ा गुरद्वारा साहब है कॉलेज का इत्थे नाल ही हुंदा सी हुण वड्डा गुरद्वारा बन गया तो छोटा सी ते जदों भी साडा फ्री पीरियड हुंदा सी ते गुरद्वारा साहब आ के हारमोनीयम वजाण का शौक सी उदों कीर्तन का इन्ना नहीं पता सी क्योंकि मैडम उन्हां नूं पता है भी आपां फोक सोंग ज़्यादा गाते सी कॉलेज दे विच ते ना भी दास दा मिर्जा मिर्जा करके पै गया सी कॉलेज आपां यूनिवर्सिटियां दे विच जांदे सी ते आ जिहड़ी स्टेज ते असीं बैठे हाँ मेरे ख्याल नाल पहली बार कीर्तन करन बैठे नहीं ते भंगड़े पाउण लई चढ़ीदा सी स्टेज ते या फिर गाने गाउण लई चढ़ीदा सी ते सोचिया नहीं सी महाराज ने इन्नी बख्शिश की है कृपा की है सोचा सी भी सिंगर बनांगे पर हुण महाराज दे शुकराने करदे हां कि सतगुरु ने अपने चरणां नाल जोड़ लिया ते सानू इह जीवन बख्शिश कीता कि अज असी देशां विदेशां दे विच गुरु की संगतां नू सतगुरु की बाणी श्रवण करा रहे हां ते बड़ी रहमत सतगुरु जी की तरस कीता पता नहीं उन्हां नू की तरस आ गया साडे ते जो अपने नाल जोड़ लिया नहीं तो पता नहीं कित्थे खुआर होंदे फिरना सी ते इस करके मैं आप बच्चों नू भी यही अपने वालों मेरा यही मैसेज है भी तुसीं जो कुछ भी अपने जीवन दे विच सोचिया उन्हों पूरी शिद्दत दे नाल अपने टारगेट नू अपने लक्ष्य नू तुसीं अचीव करन दी कोशिश करनी है ते गुरु बख्शिश करदा है परमात्मा मेहर करदा है मेहनत करन वालियां दे नाल उह परमात्मा आप खड़दा है इस करके तुसीं जो कुछ भी अपने जीवन दे विच बनना चाहुंदे हो जो भी तुहाडा टारगेट है उस नू तुसीं अचीव करन लई इह ना सोचो कि मैं मेहनत करनी है घट करनी वध करनी तुसी अपनी कोशिश निरंतर जारी रखो तो मेहनत करने वाले नू कोशिश करने वाले नू फल जरूर मिलता है तो गुरु साहब की बड़ी बख्शिश रहमत है सारे ही टीचर साहबान तो सत्कारयोग प्रिंसीपल साहब बैठे हैं सानू बच्चों वर्गू अज भी अपने बच्चों वर्गू ही प्यार करते हैं अज भी असी जदों भी आईए तो उस तरह सानू ब्लैसिंग्स देंदे हैं जिस तरह स्टूडेंट लाइफ के मिलदियां सी सो सारियां दा ही बहुत बहुत धन्यवाद है बड़ी खुशी होंदी अपने परिवार दे विच आ के ते मेरे वल्लों सारयां दा ही कुटान कुटान धन्नवाद सतगुरु रहमता करन भुल्लां चुक्कां दी खिमा फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ये सन भाई साहब भाई जसविंदर सिंह जी जिन्हां तों असीं शब्द कीर्तन सरवण कर रहे सौण जिवें उन्हां ने दस्या विद्यार्थी जीवन तो ही इस कॉलेज दे नाल इस संस्था दे नाल जुड़े रहे ने ते अज तक जुड़े ने अगाम ही जुड़े ही रहणगे मालिक सच्चे पातशाह उन्हां दी सेहत बनाई रखे तंदुरुस्ती बख्शे उन्हां नूं
ਅੱਜ ਕਾਲਜ ਦੇ 54ਵੇਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪਟਪਟੀਆ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਹਤਯਾਬ ਰੱਖੇ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀ ਕਪੂਰ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਸਾਡੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਹੈੱਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਖੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਕਾਦਮੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਸਾਬਕਾ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਵਾਈ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਵਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਟਾਇਰ ਜੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੈੱਡ ਡਾਕਟਰ ਆਰ ਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਨਾਸਾਜ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਯਾਬ ਕਰੇ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ੇ ਔਰ ਹਰ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ। ਹਾਂ, ਆਪੂ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਰਜੋਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਉਹ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੀ ਪਹੁੰਚ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਯਤਨ ਕਰ ਸਕਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਥਾ ਅਗਾ ਬੋਧ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਹਿਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪੂਰਾ, ਪੂਰੀ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਰਤਮਾਨ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਰਚੀ ਗਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਹੀ ਨੇ। ਅਨੇਕ ਗੁਣਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਗਣੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਨੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਗੁਣ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂ ਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-10-20 ਤੱਕ ਉਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਹਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਊਂਸਲਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਥਿੰਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗਈ 100 ਥਿੰਕਰਸ ਆਫ ਦੇ ਵਰਲਡ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਮਿਲਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਕੁਲੀਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਇੱਕ ਟੀਚਰ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੈਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਚਾਰ ਐਸਪੈਕਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ
ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੀਵਨ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਮੌਲਵੀ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਰਉੱਤਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ 500 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਹੈ, ਲੇਖਕ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਤੇ ਗਏ 20 ਸਾਲ ਦੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਲੋਗ ਰਚਾਇਆ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ 4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ, ਅਸੀਂ ਧਨ ਨਾਲ ਵਿੱਦਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਹਾਂ, ਪੈਸਾ ਟਕਾ ਦੇ ਕੇ, ਟਿਊਸ਼ਨ, ਕੋਚਿੰਗ, ਬੁੱਕਸ ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰੀਗਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਡਾਇਲਾਗ ਨਾਲ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਜਬ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਛ ਸੁਣੀਏ ਕੁਛ ਕਹੀਏ, ਸੰਵਾਦ ਰਚਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ BSc ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਂ, ਸਿੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਸਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਰਲਡ 'ਚ ਗਏ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਹਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਰਚਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਮੂਲੇ ਖੱਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਕੇ ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮਰਨਾ ਸੱਚ ਹੈਗਾ, ਜਿਉਣਾ ਝੂਠ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ 6 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਧਰ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪ ਜਾਣਦੀ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਮੰਡਲ ਫੜਾ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਾਲਟੀਆਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੜਛੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਦੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਧੇ ਹੈਕੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਦੇਵਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚੋਰੀ ਖਾਣ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ 4 ਬ੍ਰੈਡ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਤੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ, ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਕਿਚਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਲੰਗਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਹਾਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਟੀਚਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਰਚਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਰਿੰਨਿਆ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੁੰਭ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜਨਕਪੁਰੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਗਨ ਮੈਂ ਥਾਰ ਰਾਓ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਮਨੇ, ਇਹ ਆਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰਾਂ 'ਚ ਯੋਗੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਸਨ, ਮੱਕੇ ਕਾਬੇ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
उन्हां नूं एक परमात्मा दे नाल प्रभु नाल उहदे नाल जोड़िया ते उन्हां ने दुनिया नूं एक ये सांझ दित्ती जिहड़ी सानूं कहा जांदा किसी की मैं किसी भाषा के खिलाफ नहीं हैगा। उन्होंने कहा कि देव भाषा हैगी दूजियां दी हैगा। उन्होंने कहा भाख्या पाओ पार, असीं जेकर उस परमात्मा नूं प्राप्त करना है जां संसार दे विच वी इक दूजे नूं प्राप्त करना है तो साडी भाषा जिहड़ी हैगी है वह प्यार दी होनी चाहिए है। अज असीं जेकर किसी बच्चे नूं वी बुलाना है प्यार नाल बुलाने जी, टीचर प्यार नाल बुलांदा उहदी गल सुनी जांदी हैगी है। जे घर च मापे जिन्ना मर्जी कुछ दे देण, उन्हां नूं चंगे गिफ्ट दे देण जां कुछ दे देण, पर जे उन्होंने उन्हां नूं भाषा चंगी बोलनी नहीं सिखाई, क्योंकि जेकर असीं बच्चे नूं इक अद्धा गिफ्ट देने आं ते उह नहीं देंदे ते उह गिफ्ट तों हो सकदा कुछ देर रोए पछताए, पर जे उन्हां नूं चंगे संस्कार नहीं दिते जांदे ते उह सारी उम्र पछतांदा है। ते गुरु नानक साहब ने साडे हिंदुस्तान दे विच साडे लोकां नूं साडे पूर्वजां नूं इहो जिहे संस्कार दिते कि जिहड़े इत्थे मुगल सल्तनत नहीं मैं कहांगा उस समय की जिहड़ी जालम सल्तनत हैगी है, मुगलां ने ते गुरु नानक साहब तों लै के गुरु गोबिंद सिंह तक बहुत साथ दिता, हिंदुआं ने भी साथ दिता, पर जिहड़ी वक्त की जालम सरकार सी बाबर तों लै के औरंगजेब तक उन्हां दे खिलाफ गुरु साहब लड़दे रहे। वो कादे तो क्योंकि उन्होंने बाणी अजिही रची जिहड़ी बाणी मनुख नूं शक्ति देंदी है, एनर्जी देंदी है, एक ऊर्जा देंदी है, कौसमिक एनर्जी देंदी है, जिन्हों अज एग्जोनिया यूनिवर्सिटी के विच सर्च की गई है। भाई तुसीं अमृत वेले जी उठ के प्रभु का नाम जपदे हो चार तो पाँच का समा तो तुहानूं कौसमिक एनर्जी मिलती है। इस करके गुरु साहब ने कहा जिहड़ा हैगा अमृत वेले उठ के प्रभु का गीत गाया करो, उहदे नाम गाया करो। तो गुरु नानक साहब ने दुनिया के विच ये बाणी गाई तो गा के वजह चा के गाई उन्होंने सरवण किया, जिन्होंने गुरु नानक की बाणी गाई तो उन्होंने सरवण किया उन्होंने ही गुरगद्दी मिली, कली सेवा नाल नहीं मिली, जिन्होंने वो बाणी नू गाया तो सरवण किया। इस समय का 20वीं सदी का बहुत वड्डा चिंतक हैगा जो गुरु नानक साहब रजनीश कहिंदा है कि गुरु नानक ने कोई लंबियां समाधियां नहीं लाइया, कोई उन्होंने ज़्यादा कार्ज नहीं किए समाधियां ला के जां धूने तखाए जां कुछ किया जां कोई शरीर नूं कष्ट दिता, उन्हें गुरु नानक ने सिर्फ गाया तो पाया, उन्होंने गा के तो पाया हैगा, ठीक है नहीं। इस करके वो सारियां नूं संदेश दे रहे हैं। दूजे तौर पर जे असी गुरु नानक साहब नूं एक एग्जामिनर के तौर पर वेखने आ, उन्हां दे सामने बाबा बुढ़ा जी ने, उन्हां दे सामने उन्हां दे बच्चे ने, उन्हां दे सामने होर सिख ने, पर उन्होंने जो गुरगद्दी का समा देता आया तो उन्होंने किसी का रियात नहीं किया, ना बच्चे का ना इन्ने चिर तो लंबे समय तो सेवा कर रहा उन्होंने वेख्या। उस समय एग्जामिनर के तौर पर उन्होंने किनू उन्होंने भाई लहने वेख्या, भाई लहने की मैं एक साखी करतारपुर के समय के उस एग्जामन करन का मैं तरीका दसना गुरु नानक साहब का, वो साखी है छोटी जी कि उत्थे गुरु नानक साहब ने कहा कि भाई आ जिहड़ी चादर हैगी आ ये मैली इहनूं धो लिओ। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे कि चादर ते इहदी धोती सी साफ ही विछाई सी। कुछ समय तो बाद गुरु नानक साहब का ते बाबा बुढ़ा जी का डायलाग आपे च हो रहा है तो पुछने ने भी वह लहना किधर गया है, आंदा पता नहीं किधर गया है। तो कुछ देर बाद भाई लहना जी आ जाते ने, भाई लहना जी जदों आ जाते ने उन्होंने कहा कि तुसी किधर गए सो, उन्हें आख्या मैं चादर जिहड़ियां हन धोण चला गया सां। बाबा बुढ़ा जी कहन लगे भाई ये चादर धोण की तो लोड़ नहीं, पहले धोतियां ही सन। आंदा नहीं, जिहड़ी चादर मेरे गुरु नानक नूं मैल लगी हैगी है वो मैं धोनी ही सी। उन्होंने क्या दा हुक्म मन्निया, क्योंकि हुक्म मन्नण दी खेड हैगी है। इस करके उन्होंने हुक्म मन्निया, वार वार मन्निया, इहो जिहियां अनेकां साखियां ने, मैं सिर्फ एक साखी रही तुहानूं दा दसना चाहना कि वह किस हद तक हुक्म मनते सन, ठीक है नहीं। इस करके उन्हां हुक्म मन्नण करके भी लगातार ये जिहड़ा साडे समाज नूं सेध दे सकन, उन्होंने एग्जामिन करके उन्हां दे उत्ते सेली टोपी दित्ती। तो ये सेली टोपी जो चलती रही दसवें पातशाह तक, तुसीं वेखो कि उन्हें साडे हिंदुस्तान नूं जगा दिता, जिहदे बारे मुहम्मद इकबाल कहिंदा है फिर उठी आखिर सदा तौहीद भी, पंजाब से हिंद को एक मर्द कमाल ने जगाया ख्वाब से। मतलब असीं जिहड़े सुते पए सां, साडे ते मुगल राज कर रहे ने, साडी सभ्यता नूं भर रहे ने, साडे मंदर तोड़ रहे ने, साडियां
जनेऊ लाए जा रहे हैं, साड़ा कुछ लाया जा रहा है। उन्होंने गुरु नानक साहब ने जिहड़ी बाणी रची, उन्हां बाणी ने मनुख दे अंदरों मना नूं निर्मल किया। हुणे ही भाई साहब पढ़ रहे सन, सभना जीयां का एक दाता सो मैं विसर ना जाई। सारिया जीयां दा एक दाता है, उन्हों मनो विसारना नहीं हैगा। तो उन्होंने सानू इस करके मनुख नूं हर मनुख प्राणी नूं कहा भई तू दुनिया दे विच किरत कर, मेहनत कर। जे तू किरत करेगा तो तू स्वयं नाल जिंदगी जी सकेगा, नहीं तो अज तुसी वेख लो भी मैं कल भी गल कर रहा कि साढ़े हिंदुस्तान दे विच अज 80 करोड़ लोग जिहड़े हैगे ने साढ़े प्रधानमंत्री साहब उन्हां नूं अज राशन पानी दे रहे ने। जेकर उन्हां कोल पहली तो गल किरत लई नहीं हैगा, जे किरत हैगी है तो उन्हां दा शोषण हो रहा पूरी, उन्हां नूं उहदा जिहड़ी हैगी है नहीं मिल रही है। दूजा हैगा कि साढ़े विचों वर्क कल्चर खत्म हो चुकी है, असी काम नहीं करना चाहते। मेरे जिमीदारा दे मेरे बच्चे साथी भैन भरा भतीजे बच्चे जिहड़े ने जिवें साढ़े टाइम खेती काम करते सौ नहीं सर करते, शहर च नहीं काम करते, होर वर्क थावां ते वर्क कल्चर नहीं हैगा। जिहड़ा फॉरन दे विच साढ़े वर्क कल्चर है, असी बड़े मतलब बड़े आराम नाल चाहते हैं भी मैनू आ फलानी पोस्ट मिल जाए, असी आ काम करके बह जाइए। वर्क कल्चर साढ़े खत्म हो गया। जीन पाल सात्रे जिहड़ा हैगा फ्रांस का राइटर, वह लिखता है भी जी जवान तुसी स्वयं नाल जिंदगी जूनी है तो तुहानूं किरत करनी पैनी है। जे असी किरत नहीं करते तो उन्हां चिर असी स्वयंमान नाल जिंदगी जू नहीं जू सकते। सब तो पहला गुरु नानक ने, क्योंकि साढ़े तीन पानी देहरी चले आने पानी नाल। जेकर भाई मैं किरत नहीं करता, मेहनत नहीं करता तो मैं स्वयंमान नाल जिंदगी नहीं जू सकता, मैनू गुलामा वाली जिंदगी जूनी पैगी। इस करके गुरु नानक साहब ने दुनिया के सब तो पहला सिद्धांत जिहड़ा त्रैगुणी जिहड़ा सूत्र हैगा, त्रैगुणी जिहड़ा श्रेष्ठ उन्हां दा सिद्धांत है, वह किरत करने लई उन्हां नूं कहा भाई तुसीं जिहड़ी हैगी है किरत करनी है, तुसां मेहनत करनी हैगी है। जेकर तुसीं किरत मेहनत नहीं करदे तो फिर नहीं हैगा। इस करके उन्होंने किरत दे दिता, ठीक है नहीं। जदों उन्होंने उन्होंने एग्जामिनर के तौर पर असीं वेख लिया, अगला स्टैप सी उन्होंने प्रमोटर के तौर पर, ठीक है नहीं। वेखो दुनिया के कोई भी टीचर जिहड़ा हैगा ना, इस हद तक जाके प्रमोट नहीं करता कि वह अपने शिष्य दे के मत्था टेक दे, ठीक है नहीं। जदों गुरु अंगद साहब दे अगे गुरु नानक साहब मत्था टेकते ने, अपना सिर नवा देंदे ने भी तू गुरु ते मैं तेरा चेला वा, ठीक है नहीं। उही प्रथा दसवें पातशाह चली गई, उन्होंने पंथ दे विच पंजां प्यारियां के टेक दिता, ठीक है नहीं। ये कोई सधारण गल नहीं हैगी, तुसीं करके वेखो। असी एक प्रिंसीपल की पोस्ट पर होइए तो सानू पी एन का काम करना पैजे बड़ा औखा है, मिनिस्टर हो जाए तो उन्होंने दोबारा अपने इलाके से जाना पैजे बड़ा औखा है, ये वक्री गल है। तुसी एग्जाम्पल मैनू फॉरन दे सकते हो, अमेरिका दे जाओ, उन्हां कंट्रियां दे राष्ट्रपतियां दे दूजे दे, हाँ उधर हैगा, साढ़े नहीं हैगा, असी उस कल्चर तो दूर हो चुके हैं। तो उन्होंने मतलब बह गए, उही हैगा कि इस चीज़ में तुसी वेखो कि नवें पातशाह बेटे ने गुरु हरगोबिंद साहब दे, सतवें गुरु पोते ने गुरु हरगोबिंद साहब दे, रिश्तेदारी कित्थे हैगी है, पर जोत वह नवीं है, सतवीं अठवीं तो फिर हो गई, मतलब दादे कोल गई पोत जिहड़ी हैगी है गुरगद्दी। मतलब इत्थे संसारक रिश्तियां नूं संसारक मान वडियां नहीं हैगा, जिहड़ा भांडा उहदे लई तैयार हैगा उहनूं उन्होंने सिरजिया। ये एग्जामिनर दी परख होनी चाहिए हैगी है, एग्जामिनर की परख होनी चाहिए है, तो प्रमोटर की होनी चाहिए भी उन्होंने फिर तुम प्रमोट कर दो। तो इस करके उन्होंने जिहड़ियां चार चीज़ां साढ़े लिए ने, असी विद्यार्थी के तौर पर की सवाल पूछने टीचर नूं कि चुप करके चले जाने हैं, टीचर के तौर पर असी कोई पढ़ के अपने आप की तैयारी की है कि नहीं, जो असी डायलाग कर रहे हैं साढ़े कोई कोल ज्ञान हैगा कि नहीं हैगा, कुछ सीखा कि नहीं सीखा है, ठीक है। इंजीनियर के तौर पर साडा की है, तो एक प्रमोटर के तौर पर असी की कर रहे हैं, ये सानू ध्यान च जिहड़ियां गल्लां रखनियां चाहीदियां ने। दूजी गल जिहड़ी हैगी है भाई नाम दी, क्योंकि शब्द दे विच असी सारे दे सारे बैठे हैगे आ, एक शब्द वर्णात्मक शब्द तुहाडे सामने पए ने जिहदे च बाणी रची है, गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, वेद ने, शास्त्र ने, अंजील है, बाइबल है। एक शब्द वो जिहदे विच जिवें असी मां दे गर्भ दे विच हुंदे आ, वो शब्द साढ़े चार सवेरे व्यापक हैगा, हाँ उहनूं असी सुन नहीं सकते, अजे साडी साइंस उहनूं समझण तक उत्थों तक नहीं पहुँची। जिवें
जिन्हों अज असी कई बार किसी को याद करने वो बंदा सानू मिल जाता वो फोन आ जाता उन्होंने अज असी टैलीपैथी का नाम दे दिता है। ठीक है नी, ऊड़े ऊड़े आवा सह कोसा तिस पाछे बचरे छरे आ तिन कवन खिलावै कवन चुगावै मन मैं सिमरन करी आ। भाई अज जे तुसी ये जिहड़ी बाणी है ना जिहड़ी आपां गल कर रहे हैं जिन्हों भाई साहब उचार के गए ने किसे लई तुसी पाठ करना ध्यान नाल आरंभ कर देंदे हो उस बंदे नूं एनर्जी देगी दुनिया की किसी खुराक नालों वध एनर्जी मिलेगी इस बाणी दे राहीं। इस बाणी दे नाल तुहानूं एनर्जी मिलेगी। हाँ तुसी भावना नाल जुड़ के कर रहे हो ज्यों ज्यों कर रहे हो उहदी कृपा मंगो ये तुहानूं बाणी तुहानूं एनर्जी देगी। ठीक है नी, इस करके उस नाम दे विच अथाह शक्ति है। अज वर्ल्ड दे विच इह ते रिसर्च जो हो चुकियां ने कि नाम दे नाल किन्ने ठीक होए ने। सर्वरोका उखद नाम हरदयाल सिंह IAS उन्होंने संस्था चलाई, मंगल ढिल्लों मैं उन्होंने भी मिलिया, हरदयाल सिंह IAS नूं मिलिया वा उन्होंने भी चलाई। इस तो अलावा मैं नाम की गल जे कह के मैं जैनिया के नाल भी घट्टो घट जो कॉलेज आउंदा हाँ दो तीन महीने उन्हों का एक चलता लगातार पखवाड़ा जो बरसात के दिन टका करते हैं सवेरे 8 to 9 मैं एक घंटा उन्होंने नाल मैडीटेशन करके आउंदा सां। उन्हां दे विच भी ठीक होए, इस्लाम दे विच भी ठीक होए ने, क्रिश्चियन दे विच भी ठीक होंदे ने, नहीं ठीक होंदे हैगे उन्हां च भी होंदे ने। वो नाम की हैगा, वो नाम उस प्रभु दे गीत ने उन्हूं गाउणा है, उन्हूं उहदे वजह दे च आउणा है, उन्हूं याद करना है, उहदे गुणां नूं गाउणा है। तो वो तो बहुत छोटी चीज़ हैगी है जिहड़ी तुसीं सोचो भी मेरा रोग ठीक हुंदा, रोग ठीक हो जाता है क्योंकि बाणी दे जे लिखिया पूरा गुरु पूरा प्रसाद, वो पूरा गुरु है तो बाणी पूरा प्रसाद है। पर ये भी उस प्रसाद में असी छक सके कि नहीं छक सके। जिन्हां सिंघां दी अज जिन्हां दे पिक्चरां भर रही ने वक् वक् बना रहे ने जिहड़ी अरदास दे विच जिन्हां जिकर है उन्होंने वो बाणी नूं विहारक रूप च अपनी जिंदगी च ढालिया सी। गुरु साहबां ने पहले पातशाह तो लैके 10वें तास तक उन्होंने गुरबाणी प्रवचन नहीं दिता, उन्होंने बरवाणी दे विच जिंदगी जीई हैगी है, उन्होंने जीई है। जेड़े अज भी सिख बाणी जीउंदे ने, मैं कल भी एक बीबी का जिक्र किया सी, मैं फिर कर देना वा, इंग्लैंड दे विच रहिंदी है बीबी सुरिंदर कौर, वो इनियां समस्यावां चों गुजरी ते उन्हें क्या भी पैसा 400-500 बंदियां लई जलेबियां बन जाणगियां, 5-7 किलो बड़ियां हैगियां ने मैदा। मैं कहा नहीं, मैं हलवाइयां नाल कंसल्ट किया, मैं यार थोड़ा लगता नाल दे ने कहा मेरी सारी वो जिम्मेवारी सी घट ना जाए, वो आंदी नहीं। मैं तिना च उन्हूं कंसल्ट किया, वो आंदे ने नहीं घट्टो घट 12 किलो तो चाहिए ही है। वो आंदी चलो पैसा तुसीं ज़्यादा वार वार कह रहे हो तो घट्टो घट 10 किलो कर लो। मैं फिर भी अपने आप नूं मूर्ख कहिंदा, मैनूं उत्ते भरोसा नहीं सी बाणी वाली बीबी ते कि मैं 12 किलो लिया के मैदा ते मैं उन्हूं 10 किलो किया। वो बीबी 3 घंटे लगातार जलेबियां कट रही थी, 2 दिन साढ़े कोल संगतां तों मुक्कियां नहीं जलेबियां। ठीक है नहीं, ते 3 घंटे जिहड़ियां साडियां बीबियां सुखमनी साहिब दा पाठ करदियां उन्हें 2 वारी पानी 4 वारी पीणी, 3 घंटे लगातार बैठी रही, सारे कार्ज आप ही कर रही सी, मैं ही वो चाशनी जी पाँदा हाँ करदा हाँ। फिर उस बीबी दे जिंदगी संकट सुन लो, उस बीबी नूं 35-40 साल हो गए, उहदा हसबैंड चला चुका, उन्हें बच्चियां नूं पालिया, 8-10 साल हो गए, उहदा वड्डा बेटा चला गया, उहदियां 2 बेटियां ने, 4-5 साल हो गए ने उहदा छोटा बेटा जा चुका है, उहदियां बेटियां ने, 6 बेटियां ने उहदे घर, 6 बेटियां दे घर कोई बेटा नहीं। वो बीबी कैंसर की लास्ट स्टेज पर सी, अज वो ठीक ठाक हैगी है, उहदी एज 75 साल है, मेरे वर्गा बंदा अज मैं 65 साल का नहीं हैगा, वो तो साल 11 साल छोटा वा, मैं उहदे बराबर काम नहीं सां बह के कर सकता लगातार। ये बाणी की शक्ति हैगी है। एक एग्जाम्पल मैं तुहानूं होर दसांगा, बाबा सेवा सिंह जिन्हां नूं भारत सरकार ने पद्म श्री दिता हैगा, मैं उन्हां दे नाल 4-5 घंटे लगातार बहन का मौका मिलिया भाषा विभाग पटियाला दे विच। एक समय ते सरकार दा ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर सी कबीर साहब दे बारे ते हां सुनिया है कि उन्हां नूं खिचिया गया सुटिया गया,
प्रोफेसर एस पी सिंह जी एंड डी यूनीवर्सिटी के उन्होंने हवाले नाल मैं गल कर रहा। एक सैमीनार असी इकट्ठे सा, उन्होंने कहा उस समय के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने उन्होंने ट्रैक्टर के पिछे रस्सियां नाल पा के खिंचया गया। तुहाडे कोल उस समय दे खाड़कू आउंदे ने, उन्हें कहा मैनू नहीं पता गुरु घर आउंदे ने चले जाते हैं, मैनू किसी नाल संबंध नहीं है। काफ़ी तसीहे दिते गए पर अज भी विद्या के खेत्र एनवायरमेंट के जो उन्होंने काम किया कमाल है। हिंदुस्तान की सरकार ने उन्होंने पद्म श्री दिता उन्होंने कार्यों करके। दूजा जी मैं लास्ट चीज़ तुम्हें कहनी सी कि डायलाग के नाल आपां ज्ञान प्राप्त करने, चौथी चीज़ जी गुरबाणी का साधना करना मिलती है, प्रभ कै सिमरन सब कुछ सूझै। पर उदू पहली पंक्ति भी पढ़ लियो, प्रभ कै सिमरन तृष्णा बुझै। जदों तुहाडे बाणी पहला तुहाडे मन दीआं तृष्णावां नूं खत्म करेगी, ये बाणी तुहानूं शांत कर जाएगी, फिर तुहानूं जिहड़ियां बाणी जिहड़ी हैगी है प्रभ कै सिमरन सब कुछ सूझै। उहदे लई मैं तुहानूं एग्जाम्पल देनी चाहांगा भगत पूर्ण सिंह दी। उह किसे यूनीवर्सिटीआं चों एजुकेशन लै के नहीं सन आए, साढ़े समय च ही होए ने, थोड़ा चिर ही होए गए ने संसार तो गए थे। उन्होंने जो एनवायरमेंट के जो उन्होंने पैम्फलेट आए हैं या होर किताबं आई ने कमाल दियाँ है, उन्होंने तुम पढ़ सकते हो, उन्होंने तुम वेख सकते है। इस करके वो नाम की अथाह शक्ति है, नाम की अथाह शक्ति तुहाडे जीवन में बदल सकती है, तुहाडे थॉट प्रोसैस में बदल सकती हैगी है। क्योंकि जे तुम इना वेखो कि ये सिख धर्म का है हिंदू धर्म का जां किहड़ा है, वह सा बंदगी वाला बंदा होना चाहिए, वह चोला औरत मर्द जी ना वेख्या जाए। उहदे कोलों जिहड़े तुहाडे अंदर वाइट सैल है ने, सब तो ज़्यादा किसी खुराक नाल नहीं मानते, वाइट सैल सब तो ज़्यादा तुम पॉजिटिव एनर्जी किसी गुरमुख सज्जन को बैठो कि वो नेड़े आके बैठे वोदिया वाइब्रेशन बैठे। जो तुम उस खेत्र चलना शुरू करो, तुम उस बाणी का अध्ययन अध्यापन करना शुरू करोगे, तुहाडियां वाइब्रेशन जगह तुहानू उन्हां मनुखां दे नाल मिला देणगियां, उन्हां कोल लै जाणगियां, उन्हां दे नाल तुहाडी सांझ पा देणगियां। जिउं जिउं तुसीं साधना करोगे जिउं जिउं तुहाडी अवस्था बदलदी जाएगी। इस करके बाणी तुहाडे अंदर दा सारे दा थारा थॉट प्रोसैस बदल के रखदी है, तुहाडे अंदर पॉजिटिविटी भर देती है, तुहाडे अंदर इन्नी समर्था बन सकेगी कि तुहाडियां जिंदगी समस्यावां ते बहुत आउणगियां। मैं नहीं आता कि तुहाडियां समस्यावां घट जाणगियां, पर तुहाडा मन इन्ना स्ट्रोंग हो जाएगा जिस बीबी का मैं जिक्र किया तुहाडे सामने कि तुहानू समस्यावां लगनगियां नहीं। जे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज इन्ना कुछ छड के माछीवाड़े के जंगलों से कहिंदे ने, तो उही पॉजिटिव एनर्जी सी उन्हां कोल, उही पॉजिटिव एनर्जी सी जदों चीरियां ते चढ़े गए। मैं कल भी एग्जाम्पल दे रहा सां बाल गंगाधर तिलक बारे, गायत्री संस्थान के पंडित श्री राम शर्मा ने लिखा है अध्यात्मक उच्चतम अवस्थाएं, पढ़ सकते हो किताब। उन्हें लिखा कि उन्हां दी अंगूठे की सर्जरी हो रही थी, जदों सर्जरी होने लगी अंगूठे की उन्होंने अंथीसिया देन दिता जान लगा। जदों अंथीसिया दिता जान लगा तो उन्होंने कहा भाई मैनू अंथीसिए की लोड़ नहीं। उन्हें आख्या क्यों की गल, आंदा मैं गीता पढ़ रहा, वो गीता पढ़ रहा सी, डॉक्टर ने उसकी सर्जरी की। जे अज दे विच बाल गंगाधर तिलक अपना गाय गीता पढ़ के उसकी सर्जरी हो रही है, तो जिन्होंने जपजी साहब पढ़ी है जिदे बारे हबीब सैयद हबीब ए सियासत अखबार निकलती सी लाहौर तो अंग्रेज़ां दे टाइम 47 दे समय, मुहम्मद इकबाल दा दोस्त सी, उन्हों रेस्ट किया गया, जेल दे विच सुटिया गया। जो जेल सुटिया गया तो उन्हें वेख्या कि मैं वक् वक् बाणी पढ़ा, फिर उन्हें जपजी साहब पढ़ी। जदों उन्हें जपजी साहब पढ़ी उन्हों इन्ना ठहरा होया, उन्हें फिर अपने अल्लाह ताला अगे अरदास की फिर मैं जपजी साहब बारे जो लिखा, क्योंकि गुरु नानक एक वाहद योजा शख्सियत मिले जिन्हें मुसलमाना बारे जो लिखा कमाल का लिखा, किसी मुसलमान ने नहीं लिखा है, जो गुरबाणी के मुसलमान जो जहाँ होना चाहिए वो बारे जो लिखा वो होर किसी ने लिखा। हबीब कहता कि मैं फिर परमात्मा के अल्लाह ताले के अरदास की कि मैं जपजी की बाणी जी गुरु नानक बारे जो न्यायपूर्वक लिखा। उस बंदे एक जेल के जे ढारस जपजी साहब दें एक दूजे मुल्क उस हालत में, तो सानू जे नहीं दे रही ठीक है कि मैं केस रखे ने, मैं अमृत भी छकया हो सकता है, मैं पंज वक्त बाणी भी पढ़ता हूँ, पंज बाणी हैं गुरुद्वारे सवेरे शामी जानता होगा, पर मेरा जीवन बाणी रूप नहीं होएगा। जे जीवन बाणी रूप तो मेरे ख्याल
ਮੰਗਲ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਵੀ ਕਿੱਸਾ ਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਟੈਲੀਫੋਨ 'ਤੇ ਹੋਈ, ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਹੋਈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਚਨ ਸੀ, ਕਮਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹਨੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲਿਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ 'ਚੋਂ ਵਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਈਏ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ। ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਹਿ ਕੁਝ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਅਡੋਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜੇ ਬਾਪ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਡੋਪਟ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਾੜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਮਾਂ ਹੋਏ ਚਾਹੇ ਬਾਪ ਹੋਏ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਡੋਪਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ, ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੰਜੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨੇਤਰ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਿਦਵਤਾ 'ਤੇ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜੇ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੰਨ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੈਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਕਤਵਰ ਸਨ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਨ ਸਰੀਰਕ ਪੱਖੋਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅੱਗੇ ਆਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦਬਾਈ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਦਬਾਈ ਗਈ ਬਾਂਹ ਥੱਲੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਇਤਰੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਲ ਛਕਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਦਬਾਈ ਗਈ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਬੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਬਾਂਹ ਦਬਾਈ, ਉਹ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਬਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਐਨਰਜੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਪਾਨ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਵਾਟਰ ਥਰੈਪੀ 'ਤੇ, ਵਾਟਰ ਮੈਮਰੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਲਿਊਕ ਮੈਂਟ ਕੇਰੀਆ ਗੇਨੀਅਰ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਉਚਾਰਨ 'ਚ ਫਰਕ ਹੋਵੇ, ਨਾਂ ਅਜਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਡ ਵਾਟਰ ਗੁੱਡ ਵਾਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਭਾਈ 70% ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਹੈ ਬਾਡੀ 'ਚ, ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਈਵਨ ਕਿ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਬਹਿ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਵੇਖੋ, ਸਾਧਨਾ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਤ ਨਾਮ 'ਤੇ ਵੰਡ ਦੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਟਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਤਰਕ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਵੀ ਵੰਡਣਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਵੰਡਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰੌਕ ਫਿਲਰ ਅਤੇ ਡੀਨ ਬੇਕਰ ਦੋ
अमेरिकन ना ने रॉकफीलर चैरिटी का काम करता है डीन बेकर जिहड़ा हैगा इकोनॉमिस्ट हैगा वो आंदा है भी ज्यों ज्यों मैं चैरिटी का काम करना वा कि मेरे को धन वध रहा है डीन बेकर आंदा भी झूठ मारदा ये नहीं हो सकता भी धनबाद जो कोई इंडस्ट्री लाए कोई खेती का कारोबार होए कोई होर बिजनेस होए ठीक है नहीं कारपोरेट किधर कोई काम करता होए ठीक है नहीं तो वधेगा तो नहीं है पर उन्हें जो रिसर्च की वाकई वह धनबाद रहा उन्हें 100 फैमलिया से की स्टडी तो उन्होंने जोड़े डोनेट कर रहे थे उन्होंने धनबाद रहा दूजिया का नहीं सी वध रहा ठीक है नहीं फिर उन्होंने जिन्होंने ब्लड डोनेट करते ने उन्होंने भी किया जे ब्लड डोनेट करते थे उन्होंने का भी वध रहा इस तो अलावा एक वो फैमिली जिन्हें बिल बराबर इनकम है उन्होंने एक डोनेट कर रहा 100 डॉलर दूजा नहीं कर रहा तो वो भी वध रही है इस करके वो जरा सानू जे असी अज दुनिया के सिख खुशहाल है गए हैं अज मान ने इन व्डिया कोठियां ने जां कुछ है तो वो गुरु नानक साहब का जिन्होंने सिद्धांत अपनाया उन्होंने पूर्वजा ने उन्होंने करके हैगा ठीक है नहीं तो लास्ट कि असी गुरु नानक नहीं समझे क्योंकि जेकर पाकिस्तान हिंदुस्तान की वंड हुई है वो पंजाब दे विचों नहीं उठी गुरु नानक साहब ने तो बंगाल तो जयदेव तो लैके मुल्तान के बाबा फरीद तक विच कबीर साहब आ गए यूपी दे जां रविदास जी ने इधर तन्ना राजस्थान तो है महाराष्ट्र तो नामदेव ने भगत त्रिलोचन ने सारे कट्ठा किया गुजरात तो बंगाल तो बिहार तो जी पाकिस्तान की वंड की आवाज़ उठी सी पाकिस्तान तो नहीं सी उठी हैगी तो अज वंडिया जिथों गया उस थान तो वंडिया गया जिथे गुरु नानक दोवें हिंदू मुसलमान सिख जिहड़े ने नहीं समझ सके उन्होंने जिथे अपनी चादर वंड ली उत्थे ही जिहड़ी हैगी हिंदुस्तान ते पाकिस्तान की रेखा वंडी गई हैगी उन्हां दे फलसफे नूं उन्हां दी बाणी नूं साडे पूर्वज नहीं समझ सके असी उस वंड का शिकार भोग रहे हां ते पता नहीं किन्नियां सदियां जां किन्ना समां भोगांगे आपे च लड़ांगे झगड़ांगे अपना नुकसान कर रहे हां फिरका प्रस्ती विच रह के ते असी सांझीवालता दे विच नहीं आ रहे अखीर ते मैं एक गल कह के खत्म करन लगा कि मैं जदों कॉलेज कल एंटर किया बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या कि हरियावल बहुत सी इहदे लई मैं मैनेजमेंट जिथे भुपिंदर सिंह जौहर नूं अज इस संसार दे विच नहीं उन्होंने उस समय संभालिया संस्था नूं लैके गए उन्हां दे बेटे वड्डे वीर भाई रणदीप सिंह जी उस नक्शे कदम ते चल के उन्हूं अगां होर वधा रहे ने सामने मेरे पट्टी साहब बैठे ने वाइस प्रधान वीर जी दूजी पीढ़ी भाई अमरदीप सिंह बैठे ने इन्हां दे फादर साहब उदों सन जदों असी इस कॉलेज एंटर किए सां एक नवीं नुहार दे रहे ने विद्या दे खेत्र दे विच ए ग्रेड आया तो जदों असी इत्थे गए सां तो मैनूं डर सी कि यार पंजाबी विभाग का की होवेगा कि दो टीचर हैगे ने विद्यार्थी नहीं हैगे की हालात होणगे पर मैनू माँ ने पी एन पी सिंगरां ने प्रोफेसर तिलक राजा ने अमृतपाल ने ते चौथा बच्चा जिहड़ा इहनां दे नाल हैगा सुनील इन्होंने जो काम किया विद्यार्थियों की गिनती वधी है गुणात्मक पक्षों भी इन्होंने कमाल की है यूनिवर्सिटियां पोजिशन लईया ने इस करके मैं इन्हों का भी दिल दियां गहराइयों धन्यवाद करना वा मैनेजमेंट का धन्यवाद करना उन्हें एक योजा एनवायरमेंट बार हरियावल का सृजया क्योंकि बलिहारी कुदरत जे कभी हुशियारपुर जाओ उत्थे हरियाणा कस्बा है वो एक जर्मन लेडी हैगी है उन्हें बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत ना जाई लख्या सुनिया सी तो उत्थे 150 एकड़ के पौधे ही पौधे लाए ने वर्ल्ड के चंगे तो आँदी भी जो मैं अखीर से मरा कि उत्थे मेरी कबर बनाया जे तो उन्हें उत्थे म्यूजिक भी लाया जिहड़ा सवेरे शामी उत्थे चलता है किचन भी बनाई है तो उत्थे रह भी सकते हो तुसीं कुछ तो एक दिन वधिया पास हो सकता है वो एक जर्मन लेडी ने गुरु नानक साहब की बाणी सुनी तो इन्ना काम कर रहे हैं बहुत दुनिया से काम कर रहे हैं जिन्हां नूं गुरु नानक साहब की बाणी ने प्रभावित किया साडे विचों भी साडे ते गुरु साहब कृपा करन कि असीं बाणी नूं अपना जीवन रूप बना सकीए तो समाज लई कुछ कर सकीए वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।
गलतियां कोई होने तो क्षमा करना। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एन एस विरक। इन्हें दसिया कि किस तरह बाणी का जिहड़ा असली फलसफा है, गुरु साहब का असली फलसफा, उसनू पछाण नहीं सके साडे पूर्वज, पर अज फिर समय की वड्डी लोड़ है कि उस फलसफे नू, उस दर्शन नू समझन दी, और उहदे तीन नुकते ही अगर गुरु नानक साहब दे असी समझ लीए, जे एक संवाद दा, जब लग दुनिया रहीए नानक किस सुनीए किस कहीए। संवाद दे विच्चों सारे मसले हल हुंदे ने, पर असी उस नू भी नहीं समझ सके अज जो फिलस्तीन दे विच उत्थों दे वसनीकां नाल हो रहा है, जो रूस जिहड़ा और यूक्रेन का युद्ध आ, यह सिर्फ संवाद की घाट आ, डायलॉग की घाट आ। अगर असी संवाद मसला फिर देखियो, जे तुसी चाहे साल नू दो साल नू संवाद नाल लोल होएगा। दूजा कि ऐसा समाज का निर्माण किया जाए जिथे सारे सांझीवाल होन, सभे सांझीवाल सदायन, कोई ना दिसे बारा जियो, अजिहे समाज की कल्पना की गुरु साहब ने। और इस समाज जिहड़ा सिरजिया किवें जा सकता, वह लिखिया सचो उरे सब को उपर सच आचार। अपना करैक्टर, अपना आचरण जिहड़ा है, जदों असी उस नू उच्चा कर लवांगे, उस वक्त अजिहा समाज, जिस बदलवें समाज का दी कल्पना गुरु नानक साहब ने की, संकल्प गुरु नानक साहब ने सिरजिया, अजिहा समाज असी सिरज सकांगे जिथे सभे सांझीवाल सदायन, कोई ना दिसे बारा जियो दा संकल्प असी सिरज सकांगे। इस तो बाद मेरी गुजारिश कॉलेज के प्रिंसीपल साहब नू कि कॉलेज की गवर्निंग बॉडी के साडे वाइस प्रेजिडेंट सरदार मेजर आर एस पट्टी जी, फाइनैंस सैकटरी सरदार अमरदीप सिंह जी, तो होर उन्होंने नाल जिहड़े मैंबर साहबान ने, उन्होंने नाल साडे उन्हां अध्यापकों का सन्मान किया जाएगा जिन्हां ने 25 साल इस कॉलेज के पूरे कर ले, 25 ईयर ऑफ सर्विस कंप्लीशन का उन्होंने सन्मान जिहड़ा है वह दिता जाएगा इस कॉलेज वालों। और मेरी गुजारिश कि इन अध्यापक साथियों सन्मानित करने वास्ते मैनेजिंग कमेटी के सारे मैंबर साहबान के नाल प्रिंसीपल साहब जिहड़े ने वह इन्हों का सन्मान करनगे। और सब तो पहला जिस असी अपने अध्यापक साथी का नाम लै रहे, जिन्हें 25 साल जिहड़े कंप्लीट किए इस कॉलेज के विच, उन्हें अंग्रेजी विभाग के मुखी हैड ऑफ इंग्लिश डिपार्टमेंट डॉक्टर मैडम कैथरीन मसी, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट गुजारिश कि वह अपना सन्मान जिहड़ा प्राप्त करन। गुरु साहब दियां बख्शिशां दे नाल 25 साल तंदरुस्ती भरे इस कॉलेज इन्हां ने कंप्लीट कीते, और मेरी अरदास है, कामना है कि अगां वी एक लम्मा अरसा जिहड़ा है वह उस अकाल पुरख की बख्शिश इन्हां ते बनी रहे, और तंदरुस्ती दे नाल इस कॉलेज की सेवा निभाउंदे रहन, करदे रहन। उस तो बाद दूजे साडे अध्यापक साथी ने डॉक्टर संजय विज, डॉक्टर संजय विज, उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट कि अपना सन्मान जिहड़ा प्राप्त करन। उन्होंने भी गुरु साहब की बख्शिश सदका 25 साल इस कॉलेज की सेवा निभाई है, तो अगह भी इस तरह ही तंदुरुस्ती भरे जीवन के नाल इत्थे सेवा करते रहन। बोले सो निहाल। संगत नूं बेनती है ताड़ी ना मारो, जयकारा छड़ना सिर्फ असीं। बोले सो निहाल। डॉक्टर कमलप्रीत मैडम, डॉक्टर कमलप्रीत मैडम प्लीज तुसीं भी ज्वाइन करो प्रिंसिपल साहब नूं। इस तो बाद मेरी गुजारिश है साडे ऑफिस सुपरिटेंडेंट जो स्टूडेंट भी इस कॉलेज के ही रहे ने, मिस्टर हजारा सिंह, कि वह भी अपनी 25 साल की सर्विस कंप्लीट करने बाद इतने सन्मान प्राप्त कर। बोले सो निहाल।
इस तो बाद साढ़े कॉलेज के होर मुख कर्मचारी मिस्टर रविंदर कुमार उन्होंने भी 25 साल इस कॉलेज के अपनी सेवा निभाई है और अगामी तंदुरुस्ती भरी जिंदगी दे नाल सेवा निभाते रहन उन्होंने भी सम्मानित किया जाए। बोले सो निहाल एक सम्मान साढ़े कॉलेज के विभाग चो ही रिटायर होए पंजाबी विभाग के मुखी जिहड़े उन्हें लैक्चर भी दे के गए सन विचार सांझे करके गए डॉक्टर एन एस विरक उन्हों का भी मैनेजमेंट और कॉलेज वालों सन्मान किया जाएगा। मेरी उन्होंने गुजारिश है कि वह भी अपना सन्मान जिहड़ा प्राप्त कर। इन्हां तो बाद मेरी गुजारिश है पंजाबी दे विश्व महाकवि सरदार गुरदयाल सिंह निमर होना जिन्हां ने 6 महाकाव्य लिख के साढ़े जिले का यमुनानगर का कॉलेज का गुरु नानक खालसा कॉलेज का नाम रोशन किया। इस कॉलेज के पहले बैच के विद्यार्थी भी हैं साढ़े एलुमनाई एसोसीएशन के प्रधान भी ने सरदार गुरदयाल सिंह निमर इन्हों का भी सन्मान जिहड़ा वो किया जाएगा। बोले सो निहाल। इस दे नाल ही गुरु साहब दीयां बख्शिशां प्राप्त करन वास्ते मैडम डॉक्टर कमलप्रीत और सरदार अमरदीप सिंह जिन्हां ने अखंड पाठ की सेवा निभाई इस कॉलेज च अकाल पुरख सच्चे पातशाह उन्हां ते रहमतां रखे बख्शिशां रखे दिन दुगनी रात चौकी तरक्की दवे और उन्हां नूं एक सरोपा जिहड़ा कॉलेज वल्लों ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੰਮੇ ਅਰਸੇ ਤੱਕ ਇਹ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। मैडम डॉक्टर कमलप्रीत इन्होंने अखंड पाठ साहब की सेवा जिहड़ी वह निभाई। इस तो बाद कॉलेज के 54वें स्थापना दिवस में समर्पित पिछले 4 दिनों तो वख-वख इवेंट्स जिहड़ियां वह चलाईया जा रही सीगियां 18 तरीक तो ही 18 तरीक नूं गतका कंपीटिशन ते प्रदर्शन करवाए गए कॉलेज दे विच। उस तो बाद 20 तरीक नूं जिहड़ा सीगा ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਤੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਾਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨਿਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਵਾਉਣ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਇਜ਼ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੂੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਨਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੂੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਭਾਈ ਜੈ ਰਾਮ ਜੀ ਬੂੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਭਾਈ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਭਾਈ ਸਿਮਰਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹਰ ਵਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ।
भाई परमजीत सिंह लक्की, बोले सो निहाल मिस्टर अंश अंश मिस्टर बिट्टू, इन्हों चो कोई है नहीं तो अपना सरोपा प्राप्त कर सकते हैं। भाई लखबीर सिंह जी, भाई अनमोल सिंह जी और भाई संतोख सिंह जी, ये जदों भी हाजिर हो जाएंगे इन्हों सरोपा जोड़ा दे दिता जाएगा। अगली कार्रवाई मैडम निशी अज का इस सारा साडा प्रोग्राम मनु प्रोडक्शन टीवी वालिया ने लाइव यूट्यूब ते फेसबुक ते एमपी टीवी ते भी अज साडा लाइव प्रोग्राम चल रहा है। ते मैं इन्हां तो बेनती करांगी कि आन ते अपना सम्मान लैन। मनु प्रोडक्शन टीवी एमपी टीवी करनाल तो ने ते सारा प्रोग्राम अज दा लाइव चल रहा है। तो इस दे नाल ही क्विज कॉम्पीटिशन वाले बच्चे जिन्हों के प्राइज ने वह तैयार रहन। क्विज च कॉन्सोलेशन प्राइज है टीम तमन्ना एम ए फाइनल ईयर, लविश बी कॉम सैकेंड ईयर, नवनीत बी एड सैकेंड ईयर। कॉन्सोलेशन प्राइज तीजी थां ते जसमीत कौर जसलीन कौर बीबीए सैकेंड ईयर, हरलीन सिंह बीबीए सैकेंड ईयर ते मनोज सिंह बीबीए सैकेंड ईयर। थर्ड प्राइज आन ते अपना प्राइज लैन। सैकेंड जिहड़ी साडी टीम है दूजे थां ते उह है गुरप्रीत कौर, हरजीत कौर ते अनू। गुरप्रीत कौर, हरजीत कौर ते अनू। फस्ट प्राइज जिहड़ा क्विज च हैगा अमृतजोत सिंह एम ए पंजाबी सैकेंड ईयर, पलवी एम ए पंजाबी सैकेंड ईयर ते ईशा बी ए फस्ट ईयर। इस तो बाद दस्तारबंदी कॉम्पीटिशन च जिहड़ा तीजा स्थान प्राप्त किया है वह है चमकौर सिंह बी कॉम फाइनल। दस्तारबंदी कॉम्पीटिशन च चमकौर सिंह बी कॉम फाइनल। दूजे नंबर ते साडे ने मनजोत सिंह बी कॉम फस्ट ईयर, मनजोत सिंह बी कॉम फस्ट ईयर। तो दस्तारबंदी च पहला स्थान प्राप्त करन वाले हैगे ने करनजोत सिंह बी कॉम फाइनल ईयर।
गतका कॉम्पीटिशन च कॉन्सोलेशन प्राइज भवलीन कौर, सेकंड कॉन्सोलेशन इशमीत कौर, थर्ड प्राइज गुरसिमरन सिंह बीबीए सेकंड ईयर, सेकंड प्राइज जसप्रीत सिंह बीसीए सेकंड, ते गतका कंपटीशन पहली थां ते ने जसविंदर सिंह बीए सेकेंड ईयर। शुद्ध उच्चारण ते बाणी कंठ मुकाबला ते एना च थर्ड प्राइज है सुप्रीत सिंह बीए थर्ड ईयर। सुप्रीत सिंह बीए फर्स्ट ईयर, सनप्रीत सनप्रीत सेकंड प्राइज। दूजी थां ते दो स्टूडेंट ने अर्शप्रीत कौर एमकॉम फर्स्ट ईयर ते इंदरप्रीत कौर एमकॉम फर्स्ट ईयर। अर्शप्रीत ते इंदरप्रीत कौर पहली थां ते है अमरजोत सिंह एमए पंजाबी। हुन अकेडमिक्स दे जड़े प्राइज ने, पहले ओ स्टूडेंट जड़े यूनिवर्सिटी टॉपर ने एमएससी बायोटेक अंजलि, हिताक्षी, अर्चना, वंशिका ते मानसी। एमएससी बायोटेक अंजलि, हिताक्षी, अर्चना, वंशिका, मानसी। एमएससी बायोटेक सेकंड सेम अभिषेक उपल, एमए पंजाबी इंदरजीत कौर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क फोर्थ सेमेस्टर एमए पब्लिक एड शिवाय शर्मा, ईशा देवी, राजन कुमार, सुमन, एमए पब्लिक एड सेकंड सेम शिवानी, एमएससी मैथ नेहा गुप्ता,
बीपीएड फोर्थ सेम युवराज सिंह आदित्य अंतिल बीपीएड फोर्थ सेम युवराज सिंह आदित्य अंतिल बीपीएड सेकंड सेम बीपीएड सेकंड सेम रितेश शीतल बीएससी स्पोर्ट्स सिक्स्थ सेम कमल बीएससी स्पोर्ट्स फोर्थ सेम प्रेरणा हुन ऐ विद्यार्थी जिन्होंने कॉलेज च टॉप किया है बीएससी सेकंड कंप्यूटर साइंस दीपांशु जावला निखिल कुमार पल्लवी गोयल तानिया रचना रितिका खुशबू साक्षी तानिया राधिका मधु अमन हंसिका त्यागी निहारिका सिमरन गगनदीप सिंह सुप्रिया दिव्यांशी आरती धीमान आंचल सैनी निकिता चौधरी सिमरन जसप्रीत कौर सलैच ਸਾਡੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਐਨ ਸੀ ਸੀ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਐਨ ਐਸ ਐਸ ਤੋਂ ਰਾਜਨ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਈ ਆਰ ਸੀ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਵੁਮੈਨ ਸੈੱਲ ਚੋਂ ਜੀਆ ਅਤੇ ਸਾਨੀਆ ये सारे विद्यार्थी अकैडमिक्स मैरिटोरियस स्टूडेंट्स सन और वक्-वक् कॉलेज के क्लबों के नाल वक्-वक् कॉलेज दे इवेंट्स के नाल जुड़े विद्यार्थी एन एस एस एन सी सी वाई आर सी जिन्हों सन्मानित किया जा रहा और ये नाल ही साढ़े कॉलेज के रिटायर प्रोफेसर जिन्हों के नाम मैं रह गए सी मैडम डॉक्टर इंदिरा कपूर प्रोफेसर मनोहर सिंह जी और डॉक्टर पी सी भारद्वाज इन्हों का स्वागत भी और परमात्मा इन्हों बख्शिशा बनाई रखे तंदुरुस्ती भरी लंबी सेहत इन्हों बख्शिश कर इस तरह ही सानू ज्वाइन करते रहन हर वारी धन्यवाद सर थैंक यू हुण इस तो बाद
आनंद साहब के पाठ तो बाद असीं समाप्ति लई अरदास करांगे और जदों तक गुरु साहब की सवारी जिहड़ी आ गुरद्वारा साहब दे विच जाके असीं सुशोभित करांगे। तुसीं इत्थे बैठे रहना आराम नाल। जिहड़े भी कंपीटीशन दे विनर्स ने जिन्हां नूं इनाम दिता गया उन्हां नूं एक एनवेलप दिता गया, उस एनवेलप दे विच रसीद है, रिसिप्ट है, वह अपना नाम भर के प्रोफेसर जसप्रीत सिंह प्रोफेसर सुनील कुमार इत्थे उन्हां नूं दे के अपने पैसे प्राप्त कर सकते हैं। एनवेलप दे विच रसीद है और रसीद प्रोफेसर जसप्रीत सिंह और सुनील कुमार नूं दे के अपने पैसे जिहड़े ने वह प्राप्त कर सकते हैं इनाम दे। हुण आनंद साहब तो बाद असीं समाप्ति लई अरदास करांगे। राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पिया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरु दा पाया सहज सेती मन वजिया वैदाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आहिया शब्द हो तगावो हारी केरा मन जनी वसाया कहे नानक नंद हुआ सतगुरु मैं पाया हे मन मेरिया तू सदा रोहर हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार कर सबनांगला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रूहर साचे साहिबा क्या नहीं करते रे करता तेरे सब किछ है जिस दे सो सदा सिख सला तेरी नाम मन वसाव नाम जिनका मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सचे साहिब क्या नहीं कर साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार में आजिन ससिया जिन इच्छा सपूजाइया सदा कुर्बान किता गुरबिटो जिस दियाँ ही वड्याइया कहे नानक सुनो संतो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द कर सुबह कह कर सुबह कह शब्द वाजे कला जित करता हरिया पंज दो तुद वस किते काल कंटक मारिया दुर्कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै कहे नानक तै सुहो हितगर अनहद वाजे आनंद सुनो बट भागियो पार ब्रह्म प्रभु पाहिया उतरै सगल वै सूरे दुख रोग संताप उतरै सुनी सची संत साजन पै ससे पूरे गुरते जाहनी सुनते पुनित कहते पवि सतगुरे अपरपूर मेरे वंदनान गुरु चरण लागे वाजे अनहर तुरे सलोक पावन गुरु पानी पिता दिवस रात होए दाही दाया के लै सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचै धर्म दूर करमी आपो जिन्नी नाम ते आया गहे मशकत काल नानक ते मुख खेती छुटी नाल जिन्नी नाम ते आया गहे नानक ते मुख उजले खेती छुटी नाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह ठूठा गुर सगल सुमगरी तुम रे तुमरी गात मीत नानक दास सदा कुर्बानी तिने तापन वारन हारा दुखंता सुखरास ताकू बिगना को लागे जाकी प्रभागी अरदास अरदास इको अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं पिता भगवती समरिका गुरु नानक लई त्याई पिरंगत गुर ते अमरदास रामदास होई सहाय
ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰੀਐ ਕਰ ਨੋ ਨਿਧਿਆਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਹ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਚਾਲੀ ਮੁਕਤਿਆਂ ਹਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਠਿੜ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਈ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚੱਕਰੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤਨ ਚਰਵਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਹਾਸਾ ਸੰਗ ਨਿਭਾਈ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਹ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੈ ਚਿਤ ਆਵਣ ਕਾ ਸਤਕਾਰ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ ਜਾਂ ਜਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਹਾਇ ਤਾਂ ਤਰ ਸ਼ਰਿਆਏ ਦੇਖ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬ੍ਰਿਧ ਕੀ ਪੈਚ ਪੰਥ ਕੀ ਜੀਤ ਸ਼੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਸਿਖਾ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ਼ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸ਼ਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗੋ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪੱਧਰ ਰੱਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਕ ਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਦਾ ਦਾਨ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਨਿਆਸਰਿਆਂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗਦੀ ਜੋਤ ਹਾਜ਼ਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਜਾਰਾ ਜ਼ਹੂਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਬਦ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਕੇ ਬੋਇਰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਚੋਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿੱਟੀ ਤੁੰਦ ਜਗ ਚੰਨ ਹੋਇਆ ਦੇ ਮਾਵਾ ਕਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਟਾਫ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਰੋਹ ਤੋਂ ਧੁਰਗੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਲਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪੰਡਾਲਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਨਦਰੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਅਤੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੋਹਣੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਿੰਦ ਪਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਮਾ ਕਰਨਾ ਗਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁੱਧ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਸੋ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਰ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਹੋਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ
गुरु नानक खालसा कॉलेज में होर चढ़ती कला दिन रात चुगनिया तरक्या बख्शिश करनिया मैनेजमेंट प्रिंसीपल स्टाफ नू प्रेम प्यार बख्शिश करना सच्चे पातशाह जी विद्यार्थियों विद्या की दात चढ़ती कला बख्शिश करनिया सच्चे पातशाह जी अज दे जो कि कड़ा प्रसाद की सेवा डॉक्टर मीनू कपूर वालों सच्चे पातशाह जी हुई महाराज कृपा करनी जिस भावना करके परिवार ने सेवा ली सो भावना वा गुरमसार पूरी करनी कार्ज रास करने चढ़ती कला बख्शिश करनी आ सच्चे पातशाह जीओ गुरु नानक खालसा कॉलेज दे जो कि बच्चों के सेमेस्टर के पेपर आरंभ होने लगे हैं महाराज कृपा करनी बच्चों नू पेपरों में कामयाबियाँ बख्शिश करनी आ चढ़ती कला बख्शिश करनी आ सच्चे पातशाह जी आप जी ते दर ते छे पौड़ियाँ आनंद साहब जी की अरदास भूल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जी आप जी दर ते कड़ा प्रसाद की देख हाजिर है प्रवान होया प्रसाद आप जी की संगत वरते जो सके आप जी का पवित्र सतनाम श्री वाहेगुरु जपे सच्चे पातशाह जी करो कृपा अलाई हुक्मनामे बख्शो हुक्म ते चलन दी समर्था बख्शो सही प्यारे मेल जिन्ना मिलिया तेरा नाम चित आवै नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत दा भला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह दोहरा गया पही अकाल की सबसे कन को हुक्म है गुरु ग्रंथ जी मान्यो जो प्रभु को मिल भोच है राज करेगा खालसा हुआर हुए सा मिलेंगे वार हुए सा मिलेंगे बोले सोनिहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ सतनाम श्री वाहिगुरु साहब जीओ अंदर सच्चा नेह लाया प्रीतम अपने तन मन होए निहाल जां गुर देखा सामने एक मन पुरख त्याए वरदाता संत सहार सदा विखयाता तास चरण ले हृदय बसाऊं तो परम गुरु नानक गुण गाऊं गाऊं गुण परम गुरु सुख सागर दुर्त निवारण शब्द सरे गावें गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान धरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानेओ कब कल सूझस नगामू गुण नानक राज जोग जिन मान्यो फिर बाबा गया बगदाद नो बाहर जाए किया अस्थाना एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना सोरठ महला पंजवां कोट ब्रह्मंड को दातो ठाकुर
कोट ब्रह्मांड को ठाकुर स्वामी सर्व जिया का दाता रे प्रत फल नित सार समल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे कोट ब्रह्मांड को दातो ठाकुर सर्व जिया का दाता रे प्रत फल नित सार समल एक गुण नहीं मूर्ख जाता रे हर आराधना जाना रे हर हर गुर गुर करता रे हर जियो नाम पर्यो रामदास रहाओ दीन दयाल कृपाल सुख सागर सर्व कटा पर पूरी रे पेखत सुनत सदा है संगे मैं मूर्ख जान्या दूरी रे हर बेअंत हो मित कर वर्णो क्या जाना हुए कैसो रे करूं बेनती सतगुर अपने मैं मूर्ख देहो उपदेसो रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरया रे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर भास न परया रे मैं मूर्ख की केतक बात है कोट पराधी तरया रे गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर भास न परयारे वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब अते गुरु नानक खालसा कॉलेज दे स्थापना दिवस दियां पहुंचिया हुई समूह संगतां नूं बहुत बहुत वधाइया। समूह संगतां नूं बेनती है कि कड़ा प्रसादी देख छकन तो बाद सारियां संगतां ने हथ सुचे करके फुल लैके उस तरह ही दोनों साइड लाइन दे विच खड़े होने की कृपालता करनी ताकि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं अदब ते सत्कार दे नाल गुरद्वारा साहिब विखे पहुँचाया जाए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहेगुरु जी का खालसा श्री वाहेगुरु जी की फतेह। अखंड पाठ साहब की संपूर्णता ते अरदास दी तुहानू सब नू बहुत बहुत वधाई। गुरु नानक खालसा कॉलेज के 54वें स्थापना दिवस की बहुत बहुत मुबारक। आने वाले समय च भी इस तरह असी गुरु साहब दी बख्शां दे नाल अजिहे समागम जिहड़े रचाउंदे रहीए। हुण सारे कड़ा प्रसाद दी देग ग्रहण करन तो बाद जदों गुरु साहब की सवारी गुरद्वारा साहब च अपने स्थान पर पहुँच जाएगी तो असी इत्थे बैठे ही ये चादरां जिहड़ियां इकट्ठियां करके लाइना लंगर छकन वास्ते बना लवेंगे। इस तरह नहीं जिस तरह रस्ते की कारपेट लगे ने इस तरह असी लाइना बनाउणियां ने सारियां ने। उस तो पहला गुरु साहब की सवारी जाएगी जिस तरह के भाई अमृतपाल सिंह होना दस्या तुहानूं कि अपने हाथ जिहड़े ने सुचे करके फुल्लां दी वर्खा करदिआं होइआं उस तरह अपने स्थान ते जिहड़ा गुरु साहब की सवारी नूं पहुँचाउणा। और मेरी गुजारिश बाहर जिहड़े मैट दे उत्ते रस्ते दे उत्ते जिथों गुरु साहब की सवारी असी गुरद्वारा साहब तक पहुँचाउणी आ उत्थे जिन्ने भी विद्यार्थी ने संगत है जिहड़ी वो जोड़े लैके ना चल्लिओ जी और रस्ता जिहड़ा उसनूं साफ रख्या जावे। ये सारयां नूं बेनती है।
8 0 5 3 2